हाँ दोस्तों, तो मैंने आपको इसको खाली किया तब आपको बताया कि क्या प्रॉब्लम था, कैसे चला था, इसको रिवाइंडिंग किया तो कैसे करना, वो भी मैंने आपको बताया था। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ कनेक्शन के लिए, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो मैंने कनेक्शन किए, इस कनेक्शन आप ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है कि सेम वैसा का वैसा होने वाला है, क्योंकि इसमें और उसमें कोई डिफरेंट नहीं। ऐसा नहीं कि यहाँ से शुरू से मैंने आपको नहीं बताया, जैसा एक ये वायर जो छूटा हुआ है ना शुरू से, वैसे का वैसा यहाँ पर हमारा ये छूटा हुआ है। अब समझने वाली बात आगे में है कि हमें क्या करना है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कनेक्शन कैसे करना है। तो दोस्तों, ये जो वायर है इस स्लॉट में से छूटा हुआ है, यानी कि इस स्लॉट में से ये वायर छूटा हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों, इस स्लॉट के जो वायर है, यानी कि ये जो आर्मेचर है, मैंने आपको बताया था कि डबल वाइंडिंग है, तो इसमें जो कनेक्शन है वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो यहाँ पर करना क्या है दोस्तों, जो भी हमारे जितने भी ये वायर हैं, इन वायरों को हमें यहाँ से फाँट लेना है, ठीक है। जैसे कि अभी मैं यहाँ से अलग अलग कर देता हूँ, यानी कि जो वायर एक साइड के हैं उनको एक साइड रख देंगे, जो एक साइड के हैं उनको एक साइड रख देंगे, ठीक है। जैसा ये वायर आ गया, अभी इनमें जो अलग है उसको अलग साइड में रख देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो वायर है, मैं आराम से दिखा देता हूँ आपको, ये जो वायर है, जैसा कि ये वायर इधर है, ये वायर इधर है, यानी है एक स्लॉट में से, एक स्लॉट है ना, इस एक स्लॉट में से ये वायर है, यानी कि चार की लीड है, तो एक एक साइड से, एक ही स्लॉट में से, तो ये इस साइड का है और ये इस साइड के। कहने का मतलब, आप वाइंडिंग करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब एक कनेक्शन कैसे करना है, रही बात मेन कनेक्शन की, तो वो कनेक्शन कैसे करना है, तो यहाँ पर हम कनेक्शन कैसे करेंगे। जैसे ये वायर है, तो इन वायरों को ऐसे हम थोड़ा फैला देंगे, ठीक है, इनको यहाँ से फैला देंगे और इनको यहाँ पर फैला देंगे। अब दोस्तों, हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमारा जो मीटर होता है, तो मीटर में हमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, ओनली ये देखना है कि कौन से वायर में कंटिन्यूटी आ रही है। तो यहाँ पर मैं इसको चेक करता हूँ, इसमें नहीं आ रही है, इस वायर को यहाँ पर पकड़ के रखिएगा, और इसमें नहीं आ रही है, इसमें नहीं आ रही है, यानी कि जैसा कि हम इसको देखते हैं, ठीक है, कंटिन्यूटी देखते हैं, तो इसमें नहीं आ रही है, इसमें नहीं आ रही है, जैसा कि इसमें आ रही है कंटिन्यूटी, ठीक है, इसमें आ रही है, इसमें कंटिन्यूटी आ रही है, बाकी में कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। तो दोस्तों, इसको क्या करेंगे, ये जो वायर है इसको हम आगे में ले लेंगे, यानी इसके बराबर में यहाँ पर हम इसको ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे आपको एक बार वापस दिखा देता हूँ, ये साइड वाले फंटे हुए वायर हैं, यानी कि एक साइड से अपोजिट में, तो इनमें कंटिन्यूटी आ रही है, ठीक है, इनको यहाँ पर रख देते हैं और फिर इसको चेक करते हैं, तो इसमें कंटिन्यूटी आ रही है तो इसको रख देते हैं और आमने सामने, ठीक है, फिर इसमें आ रही है तो इसको रख देते हैं, इसमें आ रही है तो इसको रख देते हैं, नहीं तो आगे पीछे आप जो कंटिन्यूटी आ रही है उसके हिसाब से कर सकते हो। अब रही मेन बात, अब आपको क्या करना है, जैसा इस वायर को आप एक साइड में, यहाँ पर जो वायर होता है ये, इसको छोड़ देना है और इस वायर को आपको लेना है, ठीक है, इस वायर को आपको लेना है, तो यहाँ से आप इस वायर को ले, यहाँ से लोगे, ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम इस वायर को एक कर देंगे, ठीक है। अब ये वायर जो है, इस वायर को हम ऐसे ही रखेंगे क्योंकि ये अगले वाले में काम आएगा, जैसे ये वायर छूटा हुआ है ना वैसा का वैसा इसको छोड़ देना है, तो यहाँ पर हम लाइन वाइज इसको रख देते हैं, इसको रख दिया, अब वही प्रोसेस इस आगे में, ठीक है। तो यहाँ पर इसको रख दिया, अब ये वायर है इसको भी यहाँ पर हम इसमें कर देते हैं, ठीक है, एक यहाँ पर इसमें कर दिया, अब ये लाइन वायर हो गया यहाँ पर, अब बचा एक वायर ये, और एक वायर जो पहले छूटा हुआ था, जैसे ये अभी वायर छूटा है ना वैसा का वैसा ये छूटा हुआ था, वही वायर ये है, तो इनको हम यहाँ से एक कर देंगे, ठीक है, यहाँ से एक कर देंगे। ये एक करने के बाद में दोस्तों, आगे का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसा यहाँ पर हम लाइन वाइज इसको क्यों रखें, क्योंकि लाइन वाइज यहाँ पर आना चाहिए, अगर इधर उधर होगा तो अच्छा नहीं होगा, हमारा जो वायरिंग है वो ख़राब हो जाएगा और आर्मेचर जो है चलेगा नहीं। उसी तरह यहाँ पर जो ये लाइन वाई रखा है, तो यहाँ से उठाएंगे तो यहाँ पर इसके पास में डालेंगे, ये डाल दिया है उसके पास में डालेंगे, फिर ये वाला उसके पास में, पास 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 में डालेंगे, ठीक है, ये हमारा चार हो जाएगा। बाकी ये वायर बचा, जैसे इधर बचा हुआ ना वैसा, आगे चलेंगे और ऐसा का ऐसा प्रोसेस इसमें करेंगे, फिर ये भी हो जाएगा। तो ऐसे करके हम पूरा का पूरा जो है यहाँ पर लाइन वाई डालते जाएंगे। दोस्तों, अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इस तरह आर्मेचर का कनेक्शन होता है।